नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। सरकार ने 5 लाख तक के इनकम टैक्स रिफंड को तुरंत ही खाते में जारी करने का दिया आदेश। कोरोना की इस परिस्थिति में आम टैक्स पेयर्स और बिजनेसमैन को राहत देते हुए सरकार ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार के वित्त मंत्रालय ने तुरंत 5 लाख तक की टैक्स रिफंड को जारी करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने जीएसटी और कस्टम के टैक्स रिफंड भी जारी करने का आदेश जारी किया है, जिससे कि लगभग 14 लाख टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचेगा। खबरों की माने तो सरकार ने कुल मिलाकर 18,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। उद्योग जगत को 2.5 करोड़ का राहत पैकेज जल्द देगी सरकार। केंद्र सरकार जल्द ही उद्योग जगत के लिए 2.5 करोड़ रुपए का एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। खबरों की माने तो राहत पैकेज के तौर पर जीएसटी में रियायत के साथ साथ छोटे कारोबारियों को ब्याज मुक्त कर्ज देने पर सोच विचार किया जाए। इतना ही नहीं, सरकार बंद के खत्म होने से पहले आने वाले इस पैकेज में मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन और एमएसएमई सेक्टर को टैक्स छूट और आसान ब्याज पर सशर्त कर्ज जैसे ऐलान की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बढ़ाने की भी अपील की गई है, ताकि लागू किए जाने वाले नियमों का पालन सही ढंग से किया जा सके। अमेरिकी वैज्ञानिक ने ट्रंप के दावे को ठहराया गलत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही गर्मी के तापमान बढ़ने से कोरोना के खत्म होने की आशंका जताई थी, जिसको अब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने ही गलत साबित करते हुए यह साफ कर दिया है कि गर्मी के बढ़ने से कोरोना के खत्म होने की खबर बिल्कुल ही गलत है। वैज्ञानिकों की माने तो व्हाइट हाउस को एक रिपोर्ट सौंप दी गई है, जिसके मुताबिक गर्मियों का कोरोना पर कोई खास असर होता नहीं नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी साफ कहा गया है कि ऐसे किसी चमत्कार की उम्मीद ना ही की जाए तो बेहतर है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार भी अभी तक दुनिया भर के देशों में मिले डेटा से यह स्पष्ट है कि कोरोना उतनी आसानी से गर्म देशों में भी फैल रहा है जितनी आसानी से यूरोप जैसे सर्द वातावरण वाले देशों में फैल रहा है। भारत ने श्रीलंका को भेजी मदद। बाकी सभी देशों की तरह दक्षिण एशिया ने भी कोरोना अपनी पैठ बना रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत ने श्रीलंका को मदद पहुंचाई है, जिसकी जानकारी कोलंबो में स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट के जरिए दी है, जिसके तहत यह कहा गया है कि भारत से उपहार के तौर पर मदद की एक खेप श्रीलंका पहुंचाई गई है। कोरोना की इस परिस्थिति में सहयोग एक मजबूत दोस्ती का प्रतीक है। भारत के इस अद्भुत पहल के लिए एयर इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, भारत ने इससे पहले अमेरिका में भी मदद के तौर पर जरूरी सामान भेजे थे, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की जमकर तारीफ की थी। ट्रंप के तीखे बोल पर WHO ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की काफी ज्यादा आलोचना की थी। इसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन की मिलीभगत होने की बात कही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रंप ने यह कहा था कि हम WHO पर खर्च की जाने वाली राशि पर रोक लगाने का ऐलान जारी करने जा रहे हैं। जिसके बाद अब WHO प्रमुख टेड्रोस ने कोरोना की इस परिस्थिति में राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस समय में हमें एक दूसरे की कमी निकालने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमें अभी सावधानी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कल रात 12 बजे से ही नोएडा समेत यूपी के 15 जिले हो जाएंगे पूरी तरीके से बंद। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए योगी सरकार ने केंद्र सरकार से पहले ही अपने राज्य के लिए अहम फैसला ले लिया है, जिसके तहत योगी आदित्यनाथ ने 15 जिले जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखे गए हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया है, जो कि कल रात 12 बजे से लागू हो गया है। खबरों की माने तो कल रात 12 से 15 अप्रैल की सुबह तक किसी को भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और जरूरी सामानों को घरों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, बंद किए गए इलाकों की बात करें तो इनमें नोएडा समेत गाजियाबाद और कानपुर समेत कई इलाकों को बंद कर दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने उड़ानों के परिचालन को लेकर कही अहम बात। कोरोना के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए एयर इंडिया ने पहले 30 अप्रैल तक विमानों की बुकिंग लेने से इनकार कर दिया था। वहीं अब इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपना एक अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब तक यह भरोसा नहीं होता कि कोरोना नियंत्रण में आ गया है, तब तक भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल पैसेंजर्स उड़ानों पर रोक नहीं हटाई जाएगी। इतना ही नहीं, हरदीप सिंह पुरी ने यह भी ट्वीट कर बताया है कि देशव्यापी बंद के चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं, इससे यात्रियों की परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसी घड़ी में उनके सहयोग और मदद के लिए मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं। जिसके बाद यह साफ हो गया है कि जब तक कोरोना का असर पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, तब तक यात्री उड़ानों के बारे में भारत सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्यवाद, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके ट्वीट को किया रीट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मदद मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोरोना की इस परिस्थिति में अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन करके मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता के नाते अमेरिका की मदद की पहल तेज की थी। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस धन्यवाद का जवाब देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, ऐसा समय दोस्तों को और नजदीक लाता है। भारत अमेरिका की दोस्ती पहले के मुकाबले अधिक मजबूत है। कोरोना की स्थिति में भारत मानवता की हर संभव सहायता करेगा। दिल्ली में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, कई नए नियमों को भी किया गया लागू। कोरोना वर्तमान समय में सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं दिल्ली और मुंबई ऐसे दो राज्य हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 13 जोन को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी कर दिया है। साथ ही 21 जोन में पूरी तरीके से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। यह 21 जोन वह है जहां पर लोग अपनी आम सुविधाओं के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं सरकार ने यह भी साफ किया है कि इस दौरान आम नागरिकों को जरूरी चीजों की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। किसी भी नागरिक को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। गवास्कर ने धोनी की तारीफ।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने हाल ही में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। इसके तहत उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी सच में जमीन से जुड़े इंसान हैं और वह खुद को हर परिस्थिति में ढालना जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक स्टार खिलाड़ी जमीन से इतना कैसे जुड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं है। इसके साथ ही सुनील गावस्कर ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ बिताए पल को याद करते हुए यह कहा कि टीम के खिलाड़ी प्लेन में जब यात्रा करते थे तो वो उसी में हुआ करते थे, मगर महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिजनेस क्लास में बैठना कभी नहीं पसंद करते थे। जब वह कप्तान थे तभी वो टीवी कवरेज करने वाले कैमरामैन के साथ बैठकर सफर करना ज्यादा पसंद करते थे। जया बच्चन के जन्मदिन पर अभिषेक बच्चन ने लिखा एक भावुक पोस्ट। आज बॉलीवुड के अदाकारा जया बच्चन का 72वां जन्मदिन है। मई बंद के कारण जया बच्चन दिल्ली में ही है जबकि उनके परिवार के बाकी लोग मुंबई में है। ऐसे में उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बेटी श्वेता बच्चन ने उनके जन्मदिन को खास बनाते हुए दोनों भाई बहनों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है और जया बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि हर व्यक्ति आपको बताएगा कि उसका पसंदीदा शब्द मां होता है। जन्मदिन मुबारक हो मां, हालांकि आप बंद की वजह से दिल्ली में हैं और हम मुंबई में हैं, लेकिन आपको यह पता है कि हम हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आप हमारे दिल में रहती है। वहीं दूसरी तरफ श्वेता बच्चन ने जया बच्चन की एक पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि मैं अपने साथ आपका दिल लेकर चलती हूं, हैप्पी बर्थडे मां। तो आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।